सो बेसिकली जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसके जो फादर हैं, द फाउंडर, ओके, एक्चुअली जो है पहले REBT आई थी, दैट वाज डन बाय एल्बर्ट एलिस, ओके। उसके बाद जो है उसमें मॉडल है ABCD मॉडल, वो मॉडल के ऊपर ही कॉग्निटिव थेरेपी एरन बेक ने बनाया। ही इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, बट REBT इज अ फादर, लाइक अ फादर ऑफ CBT, ओके। सो उसका गोल क्या है दोनों थेरेपीज का, टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट और डिस्टॉर्टेड बिलीफ, ओके, टू डिटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज नेगेटिव थॉट्स, मतलब हमको वो चीजों को कहाँ पे गलत सोच है, गलत तरीके से हम सोच रहे हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको देख उसको समझना है, और फिर उसको हमको रियलिटी में एक्चुअल में क्या है उस चीज से उसको मैच करना है कि रियलिटी में ये ऐसा नहीं है। सो वो पर्सन को हमको ये चीज का उसको अपने आप ये समझ में आएगा कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो ये नहीं है, वो ये गलत सोच है नहीं। तो ये गलत सोच तक समझाने के लिए हमको उसको ये चीज को आइडेंटिफाई करके उसको चैलेंज करना होता है। ओके, चैलेंज जो है हम जैसे दोनों के प्रोसेस में थोड़ा फर्क है, दोनों के तरीके में फर्क है, इसलिए वो थेरेपीज डिफरेंट हैं, लेकिन दे हैव अ सेम सेम, मतलब उनका ऑप्शन जो यहाँ से चालू हुई है वो सेम सेम है, ओके। और किंगशिप विद बिहेवियर थेरेपी, मतलब किंगशिप का मतलब क्या होता है कि उसके देर आर सिमिलर जो होते हैं ना, एक अटैक, किंगशिप का मतलब क्या बोलोगे आप, एक मैम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या सेम या सिमिलैरिटी, या जो बिहेवियर थेरेपी का वो, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज अ बिहेवियर थेरेपी, ओके। अभी जो सो इट इज अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड ये एक टॉकिंग थेरेपी, ये ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं आपसे बात करे बिना आपकी थेरेपी में काम करूं। तो आई एम नॉट डूइंग द हीलिंग हियर, मैं कोई रिंकी हीलर नहीं हूँ, मैं कोई एनर्जी हीलर नहीं हूँ, आई एम डूइंग अ टॉक, आई एम आस्किंग यू समथिंग एंड आप रिप्लाई करते हो, और फिर धीरे धीरे इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ते हैं, ओके। और इसमें हम क्या बेसिकली चेंज कर रहे हैं, जिस तरह से आप सोच रहे हो और बिहेव कर रहे हो। सो अगर आप देखो एक नॉर्मल इंसान का मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, यही है ना, सोच और हम कैसे बिहेव करते हैं, उसी पे ही हमारी पूरी दुनिया चलती है या पूरा जीवन चलता है, राइट। और ये इसका जो बोल सकते हैं आप 1960 में एरन बेक ने किया था, सो इट इज दैट ओल्ड, ओके। और बेसिकली इसमें हम डिसफंक्शनल, मतलब जो प्रॉपर नहीं बराबर नहीं, वो थिंकिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगर आपकी थिंकिंग बराबर है तो फिर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना, फिर हमको उसको करने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो उसकी वजह से ही सारी डिस्टर्बेंसेस होती है जब हमारी सोच बराबर नहीं होती, और इसीलिए हम ये बिहेवियर थेरेपी। सो आप देखो ये मतलब एक मूल तत्व है, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ, जिस चीज को हम सबको आना चाहिए।